हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस स्टूडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर बेबी ड्रेस फॉर 1 to 2 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्रिंटेड फैब्रिक लिया है जो है सिर्फ 1 मीटर। सो गाइस, लेट्स गो स्टार्टेड। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे, तो फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड में लिया हुआ है। अब यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं ले रही हूँ 4 इंचेस, आर्म होल में लूँगी यहाँ पर 5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को जॉइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट का पार्ट, वो मैं ले रही हूँ 7 इंचेस। यहाँ पे आपका जो भी मेजरमेंट है उसे डिवाइड बाई 4 करके उसमें 1 इंच ऐड करना है सिंगल आर्म्स के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में ले रही हूँ 8 इंचेस। यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी, तो ये हो गई हमारी लेंथ। यहाँ पे हमें राउंड शेप देते हुए आर्म होल ड्रॉ कर लेना है, तो इस तरह से ये मैंने आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। नेक की ब्रॉडनेस में ले रही हूँ यहाँ पे 2 इंचेस और लेंथ में लूँगी 3 इंचेस। तो यहाँ पे हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे दोनों पॉइंट्स को जॉइन करते हुए। देखिए हमारी मार्किंग हो गई है, हमें इसे कट कर लेना है। देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब हमें बैक पार्ट को निकाल देना है और ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसमें हम सेंटर से कट्स लगाएंगे। तो यहाँ से हम फ्रंट का पार्ट ओपन रखेंगे, इस तरह से हमें इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। ये है हमारा फ्रंट का पार्ट। और यह है हमारा बैक का पार्ट। अब देखिए बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में लिया हुआ है और जो हमारा टॉप का पार्ट था उसे हमें 2 फोल्ड करके इस तरह से रखना है। और ये जो हमारी ब्रॉडनेस है उसे हमें मार्क कर लेना है, उसके बाद हमें लेंथ मार्क करनी है। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 15 इंचेस। यहाँ से हम इस पॉइंट को क्रॉस में एक्सटेंड करेंगे हमारे लेंथ तक, इस तरह से हमें बॉटम का पार्ट कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने बॉटम का पार्ट कट कर लिया है। अब रफल बनाने के लिए मैंने 2 स्ट्रिप्स कट की हुई है इस तरह की, जिसकी लेंथ है 7 इंचेस और ब्रॉडनेस मैंने ली है अप्रॉक्स 34 इंचेस। तो इस तरह की 2 स्ट्रिप्स मैंने कट कर ली है। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले हम इसे बनाएंगे, तो इसके ऊपर स्ट्रिप को हमें उल्टा रखना है, इस तरफ भी हमें स्ट्रिप को इसके ऊपर उल्टा रखना है। यहाँ पे हम सिलाई करेंगे, देखिए हमने सिलाई कर दी है। अब हमें इसे बैक साइड पे टर्न करके बैक साइड पे हमें इसे डबल फोल्ड कर लेना है और सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमें इसे डबल फोल्ड करेंगे, देखिए इस तरह की हमने बैक साइड पे डबल फोल्ड कर लिया है। तो इस तरह से यहाँ पे एक पार्ट दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगा, एक तरफ बटन्स और एक तरफ हमारी आई बनेंगी। अब हम नेक पार्ट तैयार करेंगे, तो उसी तरह के स्ट्रिप मैंने नेक के शेप की स्ट्रिप कट की है जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई करेंगे। उसी तरह से ये हमारा बैक का पार्ट है, उसमें भी हम नेक तैयार करेंगे। तो नेक के शेप का स्ट्रिप हमें इसके ऊपर उल्टा रखना है और यहाँ पे हमें सिलाई करनी है। सिलाई करने के बाद नॉचेस लगा के इसे हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से ये हमने नेक पार्ट तैयार कर लिया है। अभी एक राइट पार्ट है, उसके ऊपर दूसरा पार्ट हमें उल्टा रखना है और यहाँ पे हमें शोल्डर फिटिंग करनी है। देखिए ये हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है, तो ये हमारा राइट पार्ट है। आर्म होल तैयार करेंगे, तो यहाँ पे भी हमें स्ट्रिप को उल्टा रखना है और यहाँ पे हमें सिलाई करनी है। उसी तरह से इस तरफ हमें स्ट्रिप को उल्टा रख के पूरी लेंथ में सिलाई करनी है। सिलाई करने के बाद हम इसे भी बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे।
तो हमारा आम होल तैयार हो जाएंगे। ये देखिए हमारा आम होल बिल्कुल तैयार है। अब हम टॉप और बॉटम को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा राइट पार्ट है, उसके ऊपर बॉटम का पार्ट हमें उल्टा रखना है और यहाँ पे हमें सिलाई करनी है। उसी तरह से हमारा टॉप और बॉटम ज्वाइन हो जाएगा। ये देखिए हमारा टॉप और बॉटम ज्वाइन हो चुका है। इसी तरह से बैक साइड में भी मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब हमें इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करना है फिटिंग के लिए। यहाँ पे हम दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाएंगे और यहाँ पे मैं 1 इंच के डिफरेंस पे नीचे तक सिलाई लगाऊंगी और इस तरफ भी हमें 1 इंच के डिफरेंस पे नीचे तक सिलाई लगानी है। उसके बाद हम नीचे की बॉर्डर फोल्ड करेंगे। तो इसे हमें रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। ये देखिए हमने फिटिंग करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है और मैंने बॉर्डर भी फोल्ड कर ली है। अब यहाँ पे हम रफल्स को बनाएंगे। तो सबसे पहले ये जो हमने स्ट्रिप कट की थी, 2 स्ट्रिप्स है, तो इसे हमें राइट साइड पे रखना है। उसके ऊपर दूसरी स्ट्रिप को हमें उल्टा रखना है। सबसे पहले हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमें सिलाई करके दोनों को ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद हमें इसकी बॉर्डर फोल्ड करनी है। तो इसे हमें रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड कर लेना है और सिलाई करनी है। इसी तरह से हम दोनों तरफ से बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो पूरी लेंथ में हमें बॉर्डर फोल्ड कर लेना है। देखिए हमने इस तरह से बॉर्डर फोल्ड कर ली है ऊपर नीचे से और दोनों को मैंने ज्वाइन भी कर लिया है। अब ऊपर की तरफ हमें बड़े नंबरों की सिलाई लगानी है रफल्स बनाने के लिए। ये देखिए पूरी लेंथ में मैंने इस तरह की बड़े नंबरों की सिलाई लगा दी है। अब हमें एक धागे को अलग करके यहाँ पे रफल्स इस तरह की गैदरिंग तैयार करनी है जिसे हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पूरी लेंथ में। तो हमें पूरी लेंथ में इसी तरह की गैदरिंग बनानी है। देखिए इस तरह से हमने गैदरिंग बना दी है। अब हम दोनों एंड को इस तरह से जॉइन कर लेंगे। यहाँ पे हमें सिलाई लगा के जॉइन कर लेना है। ये देखिए हमने इस तरह से जॉइन कर लिया है। अब हम इस ड्रेस के साथ इसे अटैच करेंगे। इसके ऊपर हमें इसे इस तरह से रखना है और ये जो हमारा आर्म होल है उससे 1 इंच ऊपर से हम मार्क करेंगे। इस तरफ भी हमें 1 इंच ऊपर से मार्क कर लेना है और यहाँ से हम इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से ऊपर से हमें बस सिलाई लगा के इसे यहाँ पे फिक्स कर लेना है। यहाँ से यहाँ तक हम ऊपर से सिलाई लगा के फिक्स कर लेंगे। उसी तरह से हमें बैक साइड में भी इसे अटैच करना है। तो यहाँ पे भी हम सिलाई लगा के इसे फिक्स करेंगे और इतना सा अप्रॉक्स 3 इंचेस जितना हमें यहाँ पे दोनों तरफ एक्स्ट्रा रखना है। देखिए हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है और इसी के साथ ही हमारा बेबी ड्रेस बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हम बटन्स लगाएंगे एक तरफ और एक तरफ हमारी आई बनेगी। तो इस तरह से हमारा डिज़ाइनर बेबी ड्रेस बिल्कुल तैयार हो चुका है। सो गाइस तैयार है हमारा डिज़ाइनर बेबी ड्रेस। अगर आपको हमारी डिज़ाइन पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।